हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल OA8 से गल्प जो में। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज आपके लिए इजराइल की नई रिक्वायरमेंट लेके आया हूं और रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी है। जिनके पास में एक्सपीरियंस नहीं है और जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं दोस्तों, उनके लिए अच्छी रिक्वायरमेंट है ये। और बहुत सारी रिक्वायरमेंट है और जो भी कैंडिडेट जाना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको ऑफिस का नाम और ऑफिस का नंबर भी आपको शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी हम नई वैकेंसी या कोई भी न्यूज अपडेट लेके आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, मैं बात करूँगा कि इजराइल के लिए जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाह रहे हैं उनको दोस्तों सबसे ज़्यादा PCC में दिक्कत आ रही है। PCC में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो आप जो भी कैंडिडेट इजराइल जाना चाहते हैं, अगर आपको जाना ही है इजराइल, तो दोस्तों पहले PCC करवा के आप रख लें ताकि कम से कम 3 से 6 महीने तक का PCC वैलिड होता है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपका 3 महीने 4 महीने में फ़्लाइट लगभग हो जाएगा अगर आप इजराइल जाना चाहते हैं तो। और जो कैंडिडेट के पास में पासपोर्ट नहीं है दोस्तों, पासपोर्ट भी आप बनवा लें क्योंकि अभी बहुत सारे जगह फ्री रिक्वायरमेंट भी चलने वाला है। और इसके अलावा जो रिक्वायरमेंट है जिसका पेड जिसका चार्ज लगने वाला है, ऑफिस के थ्रू जो रिक्वायरमेंट आ रही है दोस्तों, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी हम नई वैकेंसी या कोई भी न्यूज़ अपडेट लेके आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, मैं जो रिक्वायरमेंट लेके आया हूँ उसमें आपको मैं बताने वाला हूँ कौन सी पोजीशन की रिक्वायरमेंट है और इसमें सैलरी आपकी क्या रहने वाली है और आपके पास कौन सा एक्सपीरियंस चाहिए। फ्रेशर कैंडिडेट के लिए भी रिक्वायरमेंट है दोस्तों, और इसमें आपका जो वर्किंग आवर रहेगा वो क्या रहेगा और आपका जो अदर जितने भी बेनिफिट हैं दोस्तों, रहना खाना कंपनी के द्वारा मिलेगा नहीं मिलेगा और लेबर लॉ के द्वारा आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, इस सब के बारे में मैं बातें करने वाला हूँ विस्तार से। तो वीडियो पूरा देखना दोस्तों। और अभी दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये चल रही है कि अभी जो फ्री का रिक्वायरमेंट जो है, फ्री का रिक्वायरमेंट में अभी बहुत ज़्यादा डिले चल रहा है। आपको पता होगा कि फ्री का रिक्वायरमेंट पहले हुआ था, हरियाणा में हुआ था, उसके बाद में दोस्तों UP में भी हुआ, लेकिन अभी फ्री के रिक्वायरमेंट में दोस्तों डिले बहुत चल रहा है क्योंकि जिसका पहले इंटरव्यू हुआ था उसका भी अभी तक फ़्लाइट नहीं हो पाया है। आपको पता होगा कि अभी जो फ्री का रिक्वायरमेंट जितने भी हुए थे किसी का भी अभी तक फ़्लाइट नहीं हुआ है। और जो एजेंसी के थ्रू गए हैं, जिन्होंने पैसे दिए हैं, 4 से 5 लाख रुपया पेमेंट किया है, उनका फ़्लाइट हुआ था डायनामिक ऑफिस से, पहला फ़्लाइट हुआ था। उसके बाद दूसरा फ़्लाइट भी हो चुका है डायनामिक ऑफिस से। और भी इसके रिक्वायरमेंट दोस्तों बहुत सारे आए हैं अदर ऑफिस में, मुंबई में भी चल रहा है, दिल्ली में भी चल रहा है। और ये जितने भी रिक्वायरमेंट चल रहे हैं दोस्तों सब चार्ज वाले हैं, इसका आपका पेमेंट चार्ज लगने वाला है। और जो फ्री का रिक्वायरमेंट है दोस्तों उसमें अभी डिले चल रहा है, उसमें अभी देरी हो रही है। तो जैसे भी फ्री का रिक्वायरमेंट अभी हमारे पास अपडेट आएगा तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा वीडियो के माध्यम से। और आज जो मैं रिक्वायरमेंट बताने वाला हूँ दोस्तों उसको आप देख लेना, स्क्रीन के ऊपर भी आपको दिखाई देगा और इसमें क्या क्या पोजीशन मैं बात करता हूँ उसके लिए और इसमें क्या सैलरी रहने वाली है दोस्तों वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट है फॉर इजराइल के लिए। और इसमें जो पहली पोजीशन है दोस्तों, कंस्ट्रक्शन वर्कर चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कंस्ट्रक्शन वर्कर चाहिए, जिसमें एग्रीकल्चर वर्कर चाहिए एंड क्लीन अप वर्कर चाहिए। दोस्तों 3 पोजीशन की रिक्वायरमेंट है जिनके लिए आपको कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। जो कैंडिडेट फ्रेशर हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, उसको कोई भी एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। एक तो कंस्ट्रक्शन वर्कर है दोस्तों, कंस्ट्रक्शन का काम जो होगा उसमें हेल्पर की रिक्वायरमेंट है, ये कंस्ट्रक्शन हेल्पर है दोस्तों एक्चुअल में। एंड एग्रीकल्चर जो वर्कर हैं, एग्रीकल्चर में जिन्होंने कैंडिडेट ने काम किया है, जो खेती बाड़ी का काम जानते हैं, उनके लिए भी रिक्वायरमेंट है। और जो क्लीन अप वर्कर हैं, जो क्लीनिंग का काम जानते हैं, उसके लिए भी ये रिक्वायरमेंट है। तो 3 पोजीशन की रिक्वायरमेंट है दोस्तों, कंस्ट्रक्शन के लिए हेल्पर और एग्रीकल्चर के लिए हेल्पर और क्लीनिंग के लिए हेल्पर चाहिए। यानी ये 3 पोजीशन की रिक्वायरमेंट है जिनमें आपका कोई चार्ज जो है, जितने भी चार्ज लगेंगे दोस्तों, इस ऑफिस का जो मैं आपको एड्रेस बता रहा हूँ और नंबर दे रहा हूँ, जितने भी चार्ज लगेंगे दोस्तों, थोड़ा कॉस्टली चार्ज है मेरे हिसाब से, तो कॉस्टली है। और बाकी आप कंफर्म कर लेना, एक बार कॉल करके पूछ लेना,
इसमें दोस्तों कंस्ट्रक्शन वर्कर और एग्रीकल्चर वर्कर एंड क्लीनिंग वर्कर ये तीन पोजीशन की रिक्वायरमेंट है। तो जो भी कैंडिडेट जाना चाहते हैं इसके लिए तो वो अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन आप सबसे पहले PCC करवा लो, क्योंकि PCC करवाओगे तो ही आपका टाइम पर आपका फ़्लाइट हो पाएगा, क्योंकि बिना PCC के आप फ़्लाइट नहीं कर सकते दोस्तों। क्योंकि सबसे बड़ा दिक्कत है फ़्लाइट का चल रहा है, क्योंकि इजराइल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट PCC है। अदर आप गल्फ़ कंट्री में जाते हैं, जैसे दुबई जाते हैं, वहाँ पे PCC की रिक्वायरमेंट नहीं है, सऊदी अरब में भी नहीं है, कुवैत में है, और अदर कंट्री में जाओ, ओमान जाओ, बहरीन जाओ, वहाँ भी PCC की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन दोस्तों इजराइल के लिए थोड़ा PCC का प्रॉब्लम रहता है, इसलिए PCC आप पहले करवा लें ताकि जब आपका फ़्लाइट हो, वीजा आए, तो आपको कोई दिक्कत ना रहे। इसमें दोस्तों कंस्ट्रक्शन वर्कर में कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, फ्रेशर वह चलेगा और जो एक्सपीरियंस वाला है वो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। एग्रीकल्चर वर्कर जो है, जो जितने भी खेतीबाड़ी का काम जानते हैं, जो कैंडिडेट खेतीबाड़ी में काम कर सकते हैं वो भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और क्लीनअप वर्कर में दोस्तों जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहें अप्लाई कर सकते हैं, क्लीनिंग का काम करना होगा उसमें आपको। और ये तीनों जो वर्कर हैं दोस्तों, इनका कहीं भी ड्यूटी लगाया जा सकता है। मान लीजिए क्लीनिंग में आप गए तो क्लीनिंग में की जगह आपको दोस्तों एग्रीकल्चर में भी डाल सकते हैं या कंस्ट्रक्शन में भी डाल सकते हैं, क्योंकि जो ये वर्कर है ना दोस्तों, ये फ्रेशर कैंडिडेट हैं। तो फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो फ्रेशर को किसी भी काम में डाला जा सकता है, आपको वो काम करना होगा वहाँ पे। और सैलरी की बात करते हैं दोस्तों, इसमें 88,112 रुपये से लेके 132,168 रुपये तक का सैलरी आपका रहने वाला है, और सैलरी भी अच्छा है दोस्तों। और इसमें बात करें तो एज की, एज दोस्तों रहने वाली है 25 साल से लेके 45 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। 25 साल से कम के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, और 45 साल से ऊपर के जो कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। इस बात का जरूर ध्यान रखें। आपका जो डेली वर्किंग आवर रहेगा वो 9 घंटे का रहने वाला है, 9 घंटे ड्यूटी रहने वाली है। इसमें दोस्तों 8 घंटे आपकी ड्यूटी रहेगी, लेकिन 1 घंटा आपका लंच होता है, तो लंच का दोस्तों आपका वो शामिल होता है, टोटल 9 घंटे ड्यूटी हो जाती है। ओवर टाइम भी आपका मिलने वाला दोस्तों, ओवर टाइम आपका जो वहाँ का इजराइल लेबर लॉ है उसके द्वारा आपका ओवर टाइम मिलेगा, चाहे वो 1 घंटा मिले, 2 घंटे मिले, 4 घंटे मिले, वो वहाँ पे इजराइल लॉ के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। और इसमें आपका जो कंपनी है दोस्तों, खाना कंपनी आपका नहीं दे रही है, जो सैलरी दे रही है उसमें आपका खाना शामिल होगा, तो आपका खाना का खर्चा आपका खुद का लगने वाला है। और जो रहने की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था जो है वो आपको कंपनी देगी, तो कंपनी आपको रहने की व्यवस्था दे रही है। और बात करें तो इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं नीचे इसमें जो बस की सुविधा होती है, यानी आपका जो रूम का है, रूम से ले करके आप जो कंपनी में काम करने जाते हो वो बस की सुविधा कंपनी दे रही है। और नीचे आप देखोगे तो दोस्तों इसमें व्हाट्सएप नंबर आपका कॉलिंग का नंबर दिया गया है, 9927206665 पे कॉल करके अप्लाई कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। अपना ईमेल आईडी तो नहीं दिया गया, लेकिन इस पे व्हाट्सएप पे आप अपना PDF फाइल बना के सेंड कर दें, अपना जो भी आपका PDF फाइल है। और सेकंड जो नंबर है दोस्तों 9068477377 पे भी कॉल करके अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड जो लेवल इसका नंबर है दोस्तों 7017444458 पे भी कॉल करके व्हाट्सएप करके अप्लाई कर सकते हैं। चौथा जो नंबर है दोस्तों 9810320855 पे भी कॉल करके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सभी 4 नंबर है दोस्तों, किसी पे भी आप कॉल करके अप्लाई कर सकते हैं। और ऑफिस जो है दोस्तों दिल्ली के अंदर है, और इसका जो है ऑफिस का नाम मैं बता देता हूँ, ये कॉन्ट्रा मेंटर्स ग्लोबल ऑफिस है। तो आप इस ऑफिस में कॉल करके अप्लाई कर सकते हैं, आप ऑफिस का एड्रेस से कॉल करके आप वहाँ से ऑफिस से ले सकते हैं, और व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगा। और आप ऑफिस जा कर के विजिट कीजिए, वहाँ पे जा कर के आप जांच पड़ताल कीजिए, उसके बाद अप्लाई कीजिए अपने जॉब के रिगार्डिंग, ठीक है ना। तो ये 3 पोजीशन की रिक्वायरमेंट है। तो जो भी कैंडिडेट जाना चाहते हैं दोस्तों एग्रीकल्चर के लिए, क्लीनिंग के लिए और कंस्ट्रक्शन हेल्पर में, तो वो आप जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। और नेक्स्ट जो मैं वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों, उसमें रिक्वायरमेंट और भी आई हैं, जिसमें जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं उनके लिए आई है। तो दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी हम नई वैकेंसी लेके आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।